हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे जेसीबी मशीन के लाइट के जो बल्ब होते हैं वो फ्यूज, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम नाइट में मशीन बंद हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती है, बैटरी डाउन हो जाती है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि 12 वोल्टेज की जगह हम दूसरी बैटरी को लगा के बैटरी को 24 करते हैं। तो बैटरी को जब 24 करते हैं उस दौरान अगर बल्ब फूकते हैं तो बल्ब फूकने के यानी कि जो फ्यूज होने के क्या क्या कारण हैं वो हम आपके लिए बताएंगे वीडियो में। जैसे कि ये है जेसीबी मशीन, आप ये लाइट देख रहे हैं और इधर भी लाइटें लगी हुई हैं और आगे भी लाइट रहती हैं लगी हुई। तो जेसीबी मशीन की जो ये लाइटें आपने देखी हैं इनमें 12 वोल्टेज के बल्ब लगे हुए होते हैं। तो जब जेसीबी मशीन कहीं रात में जंगल में बंद हो जाती है, उस कंडीशन में हम मशीन के लिए यानी कि बैटरी से 24 करते हैं। 24 करने के दौरान क्या होता है, कभी कभी भाई लाइट के लिए ऑन कर देते हैं, यानी कि कहते हैं कि लाइट ऑन कर लो, मशीन स्टार्ट हो गई है। अब रात की कंडीशन की बात बता रहा हूँ आपको, आस पास लाइट नहीं है और मशीन बंद हो गई है। जैसे ही हमने 24 वोल्टेज करके मशीन को स्टार्ट किया तो मशीन स्टार्ट करने के दौरान हमें लाइट के लिए बिल्कुल ऑन नहीं करना है, क्योंकि जो लाइटें लगी हुई हैं जेसीबी में उनमें जो बल्ब लगे हुए हैं वो 12 वोल्टेज के लगे हुए हैं। और जब 24 हम मशीन यानी कि 24 से दो बैटरियों को लेके जब हम मशीन स्टार्ट करते हैं उस दौरान हम यानी कि लाइट के लिए ऑन कर देते हैं तो 12 वोल्टेज से ज़्यादा करंट बल्ब वो नहीं यानी कि झेल पाते हैं और तुरंत बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। तो ये गलतियां आप ना करें। इसी और बैटरी के लिए जब आप 24 करो तो आपका कनेक्शन जो बैटरी का एक दूसरे की बैटरी से बहुत ही ध्यान से लगाना है। कभी कभी क्या होता है, कनेक्शन यानी कि जो बैटरी को जब हम 24 करते हैं तो यानी कि जैसी जिस कंडीशन में हमें बैटरी के लिए मशीन स्टार्ट करने के लिए 24 करते हैं वो तार ठीक से नहीं लग पाते हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि बैटरी को अपनी आंखों से फटते हुए देखा है कि जैसे मैं मशीन पे गया, मशीन पे जाने के बाद में उन्होंने जैसे ही 24 करा उससे पहले ही देखा है मैंने तो बैटरी फटी पड़ी है, फट गई है यानी कि विस्फोट हो गया है, तार उन्होंने गलत लगाए हैं उस कंडीशन में बैटरी के लिए। और एक बात और है, जब आप बैटरी के लिए 24 करो तो बैटरी के जो ऊपर के कैप होते हैं उन्हें हल्के हल्के लूज रख लेना चाहिए, जिससे क्या है कभी कभी अगर आप तार गलत भी लगा देते हो जिसे आप 24 नहीं करना जानते हो, अगर आप 24 करने की कोशिश कर रहे हो अगर तार गलत भी लग जाते हैं आपके बैटरी के कनेक्शन उल्टे भी लग जाते हैं तो बैटरी नहीं फटेगी। अगर आपने जो उसके बैटरी के ऊपर जो कैप लगे हुए होते हैं उनमें से वो गैस निकल जाएगी, एकदम बिल्कुल गैस नहीं बनेगी और बैटरी में विस्फोट नहीं होगा। तो इस बात के लिए आप ध्यान रखें और बल्ब के लिए यानी कि जो लाइट होती है उनके लिए तुरंत ऑन नहीं करें, इससे क्या है लाइट भी ख़राब हो सकती है, कनेक्टर भी फ्यूज हो सकता है, ख़राब हो जाएगा और आपके जो फ्यूज होते हैं लगे हुए वो भी फूक सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैसे अल्टरनेटर जो शॉर्ट होते हैं वो किस कंडीशन में शॉर्ट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत।